तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5। इसकी हिंदी ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। आज जिन बच्चों ने नहीं देखी है वह इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। जब इस चैनल पर जाएंगे तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई, जहाँ पे क्लास 7 की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जहाँ पे 1 से लेकर 4 तक आपको सभी चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज पूरी फुल फुल चैप्टर्स पढ़े हुए आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इस चैप्टर की भी मैं हिंदी समझा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर की एक्सरसाइज करिए। तो चलिए समझते हैं आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑप्शन है ए वाला, टिक द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं इसका पहला नंबर, बैंडिट लीडर्स कैरीड ए। तो बैंडिट लीडर्स जो था वो क्या कैरी किए हुआ था, वो डैगर यानी कि खंजर कैरी किए हुआ था, उसके पास एक खंजर था। वेन सांग वॉज ए, वेन सांग कौन था, एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम था यानी बौद्ध तीर्थयात्री था। ठीक, सेकंड वाले का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 है द बैंडिट सर्च्ड वेन सांग थिंग्स। तो जो बैंडिट, कौन से बैंडिट ने वेन सांग की चीज़ें थी वो सर्च की थी। तो जो बैंडिट 2 था उसने वेन सांग के जो पास बैग था उसको सर्च किया था, उसमें एक बोतल और कुछ बीड्स यानी मोती मोती की माला टाइप से ऐसे मिला था, और कुछ राइटिंग मटेरियल था जो उसके पास मिला था सर्च करने पे। तो ये किसने सर्च किया था, बैंडिट 2 ने सर्च किया था। तो नंबर 4 देखते हैं, द बैंडिट टुक द मॉन्क। तो बैंडिट टुक द मॉन्क इनसाइड ए लार्ज को केव। जो बैंडिट था वो मॉन्क को कहाँ ले गया था, वो एक यानी बड़ी गुफा के अंदर ले गया था। वो गुफा बहुत ज़्यादा स्मैली थी, डर्टी थी, जहाँ पर जैकाल मतलब यूज़ किया करते थे, जैकाल्स वगैरह रहा करते थे। ठीक है, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ेंगे तो आप लोग खुद समझेंगे उस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे तो मैं पॉइंट समझा रही, तो यहाँ पे 4 वाले पॉइंट का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हु सेड टू होम, किसने किससे कहा। बी वाले, तो बी वाला जो क्वेश्चन था वो उसमें कंप्लीट द सेंटेंस है, ये आप लोग खुद ही बुक में देख के फिल कर लीजिए। तो जो सी वाला क्वेश्चन है, हु सेड टू होम, इसमें देखते हैं किसने किससे कहा। इट मस्ट बी सम ग्रैंड टाइटल इन हिज लैंग्वेज। जब स्टार्टिंग में एंट्री होती है वेन सांग की, तो जो वो कुछ अपने आप में बोलता हुआ आता है, ठीक, शांतिपूर्वक, जैसे बुद्ध बुद्ध का जो जो मंत्र था वो बोलता हुआ आता है, हेल टू द ज्वेल इन द लोटस, ऐसे करके वो बोलता हुआ आता है। तो जो बैंडिट है वो बहुत परेशान होकर देखता है, कि जो बैंडिट 1 है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते होके देखता है। वो सोचता है अरे ये तो अपने आप में बड़बड़ा रहा है, इसका मतलब ये उसका कोई मंत्र होगा या फिर मुझे कोई उपाधि दे रहा होगा। ठीक है, तो वो अपने आप से कहता है। तो बैंडिट 1 टू हिमसेल्फ, इसका जो फर्स्ट नंबर है उसमें भरा जाएगा क्या, वह किससे कह रहा है, वह अपने आप से कह रहा है, बैंडिट 1 टू हिमसेल्फ। ठीक, सेकेंड नंबर है, इट मे बी वर्थ सम टाइम समथिंग टू यू बट इट विल स्लो मी डाउन इन माई जर्नी इफ़ यू टेक। तो ये सेकंड वाले पॉइंट वहाँ पे आता है जब वो अपना घोड़ा जो है वेन सांग देने की बात करता है, तो चोरों का राजा होता है, जो बैंडिट लीडर होता है, उससे कहता है कि ये जो घोड़ा है वो तुम्हारे लिए थोड़ा कॉस्टली हुआ, थोड़ा सा धन इससे मिल जाएगा बेच कर, बट ये मेरी जर्नी को थोड़ा सा स्लो करेगा, यानी जब मैं जो गौतम बुद्ध के पास उनसे मिलने जा रहा हूँ तो ये मेरी जर्नी को स्लो कर देगा यानी धीरे कर देगा, मैं वहाँ पर देर में पहुँच पाऊँगा, अगर घोड़े से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो ये कौन कहता है, वेन सांग कहता है किसे, बैंडिट लीडर से। ठीक, सेकंड वाले में वेन सांग टू बैंडिट लीडर। नंबर 3, ही इज स्लीपिंग लाइक ए बेबी। जो जो वेन सांग था वो सो रहा था, तो सो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बच्चा, क्यूट सा बच्चा सो रहा हो बिल्कुल शांत पूर्वक। ठीक, तो ये कौन कहता है, बैंडिट 2 जो है बैंडिट लीडर से कहता है, कि वो जो है वो एक उसको मारने की सोचता है, वो उसके जो जो रोप पहना होता मैरून कलर का पोशाक, जो मैरून कलर की पहना होता, वो सोचता है अरे ये बहुत ज़्यादा गर्मी यानी गर्म होगी तो ये हम लोगों के काम आएगी, तो उसको लूटने के चक्कर में वो उसको मारना चाहता है। फिर तो तभी वो कहता है ही स्लीपिंग लाइक ए बेबी। तो बैंडिट 2 कहता है किससे, बैंडिट लीडर से। थर्ड वाले में यही होगा। ठीक, नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज़ दैट स्वीट स्मेल। तो जो जब गंदी सी स्मैली गुफा में जो वो लोग पहुँचते, तो वहाँ पर बहुत डर्टी स्मेल आती है, बहुत गंदी सी। तो जब थोड़ी देर बाद जब जो वेन सांग वहाँ पे चैंटिंग करने लगा, यानी जो रिसाइटिंग करने लगता, जो मंत्र है वो बोलने लगता है, तो वो जो गुफा होती है उसमें अच्छी खुशबू आती है, यानी जब वो नाक अपनी पहले पकड़े होता है और नाक को बंद किए होता है, फिर उसके जब वो होल्ड करता है तो उसे स्वीट सी स्मेल मतलब आती है, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये कौन कहता है, व्हाट इज़ दैट स्वीट स्मेल। तो ये कहता है बैंडिट 1 जो कहता है वो बैंडिट लीडर से कहता है। ठीक,
तो उसके बाद फिर वो दोनों लोग, सभी लोग गुफा में जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं वो लोग कि जो वेनसांग है वो चैंटिंग कर रहा है और सामने एक शेडो बुद्ध की दिखाई दे रही है। तो आप लोग चैप्टर समझेंगे तो आप तो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक, ये तो मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ आप लोगों की स्टोरी। आप लोग चैप्टर जरूर समझिए, क्योंकि चैप्टर नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी एक्सरसाइज। इसलिए सबसे पहले आप चैप्टर की हिंदी समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो डी है हमारा, उसमें आंसर दिस क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इस तरह से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज वेनसांग, वट मंत्रास वॉज ही रिसाइटिंग, यानी वेन सांग कौन था और क्या मंत्र बोल रहा था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं दोबारा बता रही हूँ, वेन सांग वॉज बुद्धिस्ट मॉन्क। वेन सांग कौन था? बुद्धिस्ट मॉन्क था, फ्रॉम चाइना। कहाँ से आया था? चाइना से आया था। ही वॉज रिसाइटिंग ओम मणि पद्मने हम, ओम मणि पद्मे हम हेल टू द ज्वेल इन द लोटस मंत्र। ठीक, तो ये ओम मणि पद्मे हम हेल टू द ज्वेल इन द लोटस, तो ये जो मंत्र है वो बार बार उसका उच्चारण कर रहा था। ये जो इस मंत्र में गौतम बुद्ध की सारी से छाएं, सारी शक्तियाँ जो हैं एक ज्ञान की तरह समाई हुई हैं, तो ये मंत्र इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, यू आर ए पर्सन लाइक मी हु सेड दीज वर्ड्स एंड हाउ डिड ही जस्टिफाई इट। ये वर्ड्स किसने कहे थे? यू आर ए पर्सन लाइक मी, और कैसे इस तरह, यानी कैसे इसको जस्टिफाई करें उन्होंने किया था। तो जो वेन सांग थे उन्होंने जो बैंडिट लीडर था उससे कहा था कि तुम भी मेरी तरह ही पर्सन हो। तो जब तो वेन सांग सेड दीज वर्स वर्ड्स टू द बैंडिट लीडर, तो वेन सांग ने वर्ड किससे कहते हैं? बैंडिट लीडर से कहते हैं। ही जस्टिफाइड इट, यानी उन्होंने जस्टिफाई किया था उसने, वेन सांग ने, बाय सेइंग दैट बोथ ऑफ देम आर सीकिंग रिचेस, क्योंकि हम जो दोनों लोग हैं वो क्या, एक धन यानी धन की खोज कर रहे हैं वो। बट मीनिंग ऑफ द रिचेस इज डिफरेंट फॉर वेन सांग एंड बैंडिट लीडर, पर हम दोनों के लिए जो मीनिंग है, धन का मीनिंग है, वो अलग अलग है। यानी वह क्या, वह होली स्क्रिप्चर्स सर्च कर रहा था वेन सांग, और जो बैंडिट लीडर है वो मनी खोज कर रहा था, यानी कि धन, पैसा। ठीक, और उनके लिए जो वेन सांग था उसके लिए धन क्या था? होली स्क्रिप्चर यानी पवित्र ग्रंथों की खोज। ठीक, तो दोनों के लिए अलग अलग मीनिंग था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द बैंडिट बैंडिट्स फाइंड इनसाइड द बैग ऑफ वेन सांग। तो बैंडिट ने क्या पाया वेन सांग के बैग में? तो वेन सांग द बैंडिट लिव फाउंड ए बोटल ऑफ वाटर, यानी उसने एक बोटल यानी पानी की बोतल पाई, बीड्स कुछ मोती माला टाइप की, एंड राइटिंग मटेरियल इनसाइड द बैग ऑफ वेन सांग, यानी जो बैग वेन सांग का बैग था उसके अंदर ये तीनों चीज़ें पैक थी, तो उसने यही तीनों चीज़ें उसके अंदर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, व्हाट फन डिड द बैंडिट्स प्ले विद द मॉन्क, यानी जो बैंडिट्स थे उन्होंने मॉन्क के साथ क्या मजाक किया था। तो ये इसका आंसर देखते हैं फोर नंबर का, द बैंडिट्स प्ले फन विद द मॉन्क बाय टेलिंग ए फॉल्स स्टोरी ऑफ बुद्धास स्टे। उन्होंने एक झूठी स्टोरी बनाई थी कि यहाँ पर जो बुद्धा हैं वो कभी किसी समय पे आए थे, यानी यहाँ पर रहे थे, जब उनकी डेथ हो गई तो यहाँ पे उनकी शेडो दिखाई देती है। तो ये ऐसा उन्होंने झूठ स्टोरी बनाया, जबकि वो एक गंदी सी स्मैली गुफा थी जो जिसको जयकाल यूज़ करते थे, उसको जो बुद्धिस्ट मॉन्क था उसको वहाँ पर ले गए थे। तो द बुद्धिस्ट प्ले फन प्लेड फन विद द मॉन्क बाय टेलिंग ए फॉल्स स्टोरी ऑफ बुद्धा स्टे इन दैट लार्ज केव, बट दैट स्टिंकी केव वॉज एक्चुअली यूज बाय जयकाल। ठीक, ये हो गया आपका फोर का आंसर। नेक्स्ट फाइव नंबर देखते हैं, वाई डू यू थिंक एट द एंड ऑफ द बैंडिट्स बोर्ड इन फ्रंट ऑफ वेन सांग। आप क्यों सोचते हैं, यानी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो बैंडिट्स थे वो उनकी तरफ, वेन सांग की तरफ झुके हुए थे? क्योंकि लास्ट में उनका जो हार्ट था वो चेंज हो गया था, उनको अच्छाई थी वो पता लग गई थी कि अच्छे अच्छाई क्या है, तो जबकि उन्होंने कितना गलत किया था उसको एक गंदी सी स्माली झूठी स्टोरी सुना के, उसको जो मॉन्क था उसको उसी गुफा में ले गए थे। तो इसका आंसर होगा फाइव वाला का, आफ्टर सीइंग द एक्चुअल शैडो ऑफ द बुद्धा इन द केव। जब यानी जो एक्चुअल शैडो थी, जो जो वॉल थी, जो केव की वॉल थी, उस पर देख ली थी उन्होंने जो बैंड जो क्या कहते हैं बैंडिट्स थे, उन्होंने एक्चुअल जो शैडो थी उसकी, गौतम बुद्ध की बैठे हुए उनकी देख ली थी। उसके बाद द बैंडिट्स बिकम द चेंज पर्सन, बैंडिट्स जो थे उनका हृदय बदल गया। दे डिसाइडेड टू डू गुड टू अदर्स, उन्होंने डिसाइड किया अच्छा करने के लिए लोगों एक साथ, अब वो बुराई को छोड़ चुके थे। एंड गेव अप द रॉबरी एंड मर्डर्स एंड मर्डर्ड, तो उन्होंने चोरी और मर्डर को हत्या करना छोड़ दिया था। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 5 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड करिए, फिर आंसर लिखिए। थैंक यू।